हालात के ऊपर याद आया, अभी कुछ चंद दिन पहले का वाकया है। मैं अपनी बेगम के साथ सदर गया हूँ शॉपिंग करने के लिए, तो अचानक बेगम मेरी तरफ मुड़ी और कहने लगी, तुम्हें मना किया था कि माश की दाल मत खाओ, कच्ची है। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है, कहीं यहाँ सदर में बम फटा है। ये हुआ था जी। आप कह रहे हैं हालात अच्छे हैं, दिल तो चाह रहा है कि मैं आपसे और बात। अरे कीजिए ना, हमारी भी बड़ी कथार्सिस है, निकलती नहीं। आज आपने मौका दिया, बहुत 58 के बाद पहला अपीयरेंस है ये टेलीविजन पे मेरा। इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में आपको दोबारा जहमत दूंगा। जरूर जरूर दीजिएगा, बहुत खुशी होगी आके। लेकिन चलने से पहले गुजारिश करना चाहता हूँ आपसे। ये बताइए, आप एक नबाज आदमी हैं कि ये मुश्ताक हुसैन के दामाद जो हैं, ये हमारा कर्जा देंगे या नहीं? नहीं, इनका तो बाप भी देगा, मेरे पास लिखत पढ़त तमाम चीज़ें मौजूद हैं। एक काम कीजिए, ये लीजिए 03, ये नंबर है उनका, एक कॉल आप कर दीजिए मुश्ताक हुसैन के दामाद को, एक कॉल कर दीजिए, शायद आपके कहने से वो डर जाए कि ये कहीं टीवी पे ना कहें। आप नंबर दोबारा देखिए, ये नंबर है मेहर साहब का, नहीं जो नहीं चीफ मिनिस्टर है। अरे खुदा ना करे, अल्लाह तौबा, ओहो ये तो और उल्टे देने पड़ जाएंगे। ये लीजिए, ये है, ये अब ये मत कह दीजिएगा ये गवर्नर का है। नहीं, खुदा के वास्ते ये यही है नंबर। ठीक है, हाँ मैं कोशिश करूँ। हाँ कहिएगा, जरूर 2.75 लाख रुपए हैं, 2,75,000, 25 में डिस्काउंट दे दूंगा, 250 दे दें मुझे। ये हैं पुराने सिविल सर्वेंट, सच्चे लोग थे। थे नहीं हैं भाई, छक्के लोग हैं। थे क्या मतलब है, मुझे भी मुश्ताक हुसैन समझ रहे हो क्या?